डायमंड्स। दोस्तों हीरे की खोज सबसे पहले भारत में 4000 साल पहले हुई थी। जब भारत में हीरो का उत्पादन घटता जा रहा था तो ब्राजील के मिनास गेरस शहर में इसका उत्पादन बढ़ने लगा था। और दोस्तों मेक्सिको के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वह टकीले को हीरे में बदल सकते हैं, लेकिन उनके लिए इतना टकीला जमा करना बहुत मुश्किल है जिससे एक हीरे की अंगूठी बनाई जा सके। दोस्तों हीरा और कोयला दोनों कार्बन से ही बनते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग क्रिस्टल ढांचा होता है। आपने देखा होगा कार्बन थोड़ा चमकीला होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे धरती पर इतने ज़्यादा हीरे हैं कि यहाँ पर रहने वाला हर इंसान को एक कप हीरो का भरकर दिया जा सकता है, लेकिन उद्योगों द्वारा ऐसा करने से सख्ती से मना किया गया है, उनका व्यापार जो खराब हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादातर मिलने वाले हीरे 1 से 3 अरब साल पुराने होते हैं, जिनको हीरा बनने से पहले जमीन के अंदर 900 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में अरबों सालों का समय लगा था। हीरे दुनिया के सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। सिर्फ एक हीरा ही दूसरे हीरे पर खरोंच डाल सकता है। प्राचीन समय में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मूर्तियों की आंखों पर हीरों को लगाते थे। उनका यह मानना था कि ऐसा करने से भगवान उनकी आने वाले खतरे से रक्षा करेंगे। दुनिया के 80% हीरों को उद्योगों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि दुनिया के 80% हीरे गहने बांधने के लिए उपयुक्त नहीं होते। दोस्तों प्राचीन समय में लोग हीरों को अपनी ताकत और साहस दिखाने के लिए पहनते थे। और दोस्तों इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।